पर दिल्ली से है। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर शालीमार बाग विधानसभा में 400 युवाओं ने विधायिका वंदना कुमारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में आप विधायक वंदना कुमारी की अगुवाई में बीजेपी व कांग्रेस को छोड़कर 400 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी से विधायक वंदना कुमारी के साथ केन्यूज संवाददाता अफशा खान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा वंदना कुमारी ने, आपको सुनाते हैं। बाग विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से यहाँ तमाम तरह के लोग युवा जो है एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर जो है आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग की बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। साथ में यहाँ खुद शालीमार बाग विधायिका वंदना कुमारी मेरे साथ मौजूद है, सीधा आपसे इनकी बात कराऊंगी। वंदना जी, किस प्रकार से आज का जो रखा गया है युवा सम्मेलन किस लिए रखा गया है? देखिए, आज बहुत सारे युवा साथी ने आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं और युवाओं को लगता है जो अब एक ही रास्ता है अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी के आइडियोलॉजी से पूरे देश में एक ही अब दिख रही है जो कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक की ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए एक काम कर सकती है और देश को असली देशभक्ति के साथ देश को मजबूत करने का काम कोई कर सकता है, वो आम आदमी पार्टी। मैम, आज का जो ये सम्मेलन रखा जाता है युवा सम्मेलन है, जिस प्रकार से अभी आपने बताया स्टेज पर कि इस तरह से तमाम युवकों ने यहाँ जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, एकदम से कांग्रेस में से निकल कर आना और बीजेपी से एकदम निकल कर आना और कांग्रेस को ज्वाइन करना, क्या मुख्य कारण क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में के पास अब कोई मुद्दा नहीं है काम करने के लिए। आपने देखा है कांग्रेस में तो अब कोई लीडरशिप ही नहीं है। कांग्रेस में इनको लगता है जो कोई लीडरशिप नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है उनकी, कोई रास्ता नहीं है ऐसा जिसमें वो कुछ काम कर सके और युवाओं को दिख नहीं रहा है जो हमारी आगे भविष्य क्या है। आज वो आम आदमी पार्टी में उनको दिख रहा है एक जो शिक्षा की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, युवाओं को दिशा दिखाने की बात करता है और एक मजबूती लाने के, देश को मजबूत बनाने की। आज जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है उस राजनीति से परेशान होकर युवा चाहते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करें और एक समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए, इसके लिए सभी साथी आए। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, शालीमार बाग विधायिका मेरे साथ इस समय मौजूद यहाँ और ये समस्त तरह की बातों को बताती हुई नजर आई। जिस तरह से शालीमार बाग में इस समय जो है 350 से 400 युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की है, यहाँ 50 से 60 युवकों ने इसी समय पर सदस्यता ग्रहण की और 300 लोग जो हैं अब सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, इसको लेकर शालीमार बाग विधायिका यहाँ अपने विषय में बताती नजर आई। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अफशा खान। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी है। आज डीडीए की टीम ने दिल्ली के कल्याणपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 4 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया। कल्याणपुर में कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध भी जताया। दरअसल दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले जहांगीरपुरी, शाहीनबाग, मंगोलपुरी, सलेमपुर, ओखला में भी एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि कुछ जगह काफी बवाल भी हुआ था। डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, कोई भी निशान नहीं, ऐसा नहीं है ना, आपने कोई भी नंबर नहीं खोल रहे किसी तरह का भी। तो उनका तो डीडीए का ये कहना है कि ये इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, कहीं काफी पुराना कब्जा किया हुआ है। इंक्रोचमेंट है, जब इन्होंने डीडीए ने जमीन ली थी यहाँ पे रॉयल एजेंसी में, हमारी जमीन ली थी तो इन्होंने जो जमीन ली थी उसमें कॉलोनियां बसा दी। ये हमारी प्राइवेट लैंड है, आज ये हमारी प्राइवेट लैंड है। नाम बताइए अपना। ये बुलडोजर चल रहा है, आपको कोई नोटिस मिला था इसमें? कोई भी नहीं भेजा। आपको कोई नोटिस नहीं मिला? कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? अरे वाह, हमारा 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी हो गई, परदादा के भी दादा भी हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? क्या बहसबाजी है, क्या है, इन्हें पता नहीं, जो जिन्हें भेज रहे हो। खड़े हैं कल्याणपुरी पे, जहाँ पर एमसीडी के साथ साथ अब डीडीए का भी बुलडोजर चालू हो गया है। आज आप देख सकते हैं पुलिस
प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी विरोध प्रदर्शन शामिल है। अभी कुछ देर पहले यहाँ के विधायक कुलदीप सिंह को पुलिस ने डिटेन किया और आप देख सकते हैं बुलडोजर जारी है, यहाँ पे अपना काम करने के लिए तैयार है और यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि इन्हें नोटिस नहीं मिला है, बिना नोटिस के ही इन्हें इनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। मैं वेद प्रकाश, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर सियासत गर्म है। अतिक्रमण का विरोध करने पर विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी दिल्ली के खिचड़ीपुर में गरीबों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने गरीबों का साथ देने पहुंचे आप विधायक कुलदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। आप गरीबों को बुलडोजर नहीं चलाने देगी, जो गरीब लोग हैं उन पर चाहे आप विधायकों को जेल ही क्यों ना जाना पड़े, ये तमाम बातें उन्होंने कही। कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुंडका इलाके के अंदर एक गैर कानूनी ढंग से चल रही अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के अंदर आग लगी और उसके अंदर अब तक करीब 28 लोगों की जान जा चुकी। और आप समझ सकते हैं कि लोगों के शरीर इस कदर उसके अंदर जल गए थे कि शरीर की पहचान के लिए भी डीएनए टेस्ट कराए गए, इस बुरी तरीके से लोगों की बॉडीज उस आग के अंदर जली हैं। और 3 दिन से भाजपा के नेता शोर मचा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी उसके जिम्मेदार कौन है।